नमस्कार किसान भाई, डंके की चोट पे मटर की अगेती खेती में 100 रुपये किलो किसान भाई सिर्फ 40% ही ले पाते हैं, बाकी 50-60% किसान भाई सिर्फ घाटा खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है किसान भाई कि कहीं से वो सुन लेते हैं या जान लेते हैं या फिर हड़बड़ी में जान लेते हैं कि मटर की इस बार जो मटर की बाज़ार भाव 100 रुपये किलो मिलने वाला है, तो फिर वो अपने खेतों में बिना समझे खेतों को बुआई कर लेते हैं, जिसका कारण क्या होता है उनके गाछों का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। गाछों में उखठा रोग लगना, पीला पड़ना या फंगस लगना, ये जो रोग हैं वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण क्या होता है वो सिर्फ घाटा खाते हैं। बाकी बचे जो 40% किसान भाइयों हैं वो पूरे एक योजनाबद्ध से यानी कि वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं, जिसका परिणाम देखने को ये होता है कि 100 रुपये किलो बाज़ार भाव वही किसान भाई लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार है तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों को 1 रुपये भी नहीं लगता है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो और भी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मटर की अगेती खेती में कितने क्षेत्र में लगाना चाहिए, कौन से खाद देना चाहिए, कितने दिनों के बाद सिंचाई करना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मटर की जो खेती है सबसे पहले कौन सा प्रक्रिया अपनाना चाहिए। अपने खेतों को अच्छी तरह से जुताई कर लें और उसमें पाटा लगा लें और 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रैक्टर गोबर का भुरकाव कर लें और उसके साथ ही 20 kg DUP को भुरकाव करके अच्छी तरह से खेतों को जोत कर पाटा लगा लें और इसके बाद जो है बीज जो है 1 एकड़ में 40 kg बीज लेना है आप लोगों को, 40 kg बीज को छिड़काव करना है। और 2 तरीक़े से आपको मटर लगाना है, पहला है आपको क्यारी बनाकर भी लगा सकते हैं या मेड़ बनाकर रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप खेतों को अच्छी तरह से जुताई कर लें या ना और उसमें नमी बनाए रखें। और बीज की बात किया जाए तो 1 एकड़ में अगर अगेती में लगाते हैं तो 1 एकड़ में 40 किलो बीज लगता है और उसका या पचेथी लगाते हैं मटर तो उसमें आप लोगों को 35 या 35 kg 1 एकड़ में बीज लगेगा किसान भाइयों। वैरायटी की बात किया जाए तो GS10 और KSP 110 और 54009 वैरायटी को लें। और बात की जाए तो किसान भाइयों अगर बाज़ार भाव की आप अगेती खेती में लगाना चाहते हो तो आपको वैरायटी के 55 या 60 दिन वाले बीज को लगाना है, क्योंकि 90 या 100 दिनों का जो वैरायटी है वो ज़्यादा यानी मोटी रकम नहीं देने वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वैरायटी की बात की जाए तो 55 से 60 दिन वाला का लेना है। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ लगाने की बात की जाए तो 20 सितंबर से अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं और कम समय यानी कि 55 से 60 दिनों वाला बीजों का चयन करें, क्योंकि जल्दी वो तैयार होगा तभी हमारे मटर है वो बाज़ार तक जल्दी पहुँचेगा और मोटे रकम देने वाला। जब भी हमारे फसलें 15 से 20 दिनों को हो जाए तो उसमें पहला स्प्रे आप लोगों को परफेक्ट सुपर और साफ पाउडर जो है उसको एक साथ मिक्स करके आप अपने खेतों में छिड़काव कर दें। दूसरा दोहरा स्प्रे आप 10 दिनों के बाद करें। दोहरा स्प्रे करने के बाद जब भी आपका फसल 1 महीना का हो जाए तो उस समय आप लोगों को पहला सिंचाई करना है, यानी कि अपने खेतों को नमी के हिसाब से आपको पहला सिंचाई करना है, लेकिन उससे पहले कौन सा खाद का उपयोग करना चाहिए मैं बता देना चाहता हूँ। आप GC पावर का 10 kg का जो बकेट है उसके साथ 7.5 kg यूरिया लेना है, उसके साथ 100 किलो भुरभुरे मिट्टी या भुरभुरे गोबर को मिक्स करके अपने खेतों में अच्छी तरह से भुरकाव कर लेना है और हल्की मात्रा में सिंचाई करना है, क्योंकि किसान भाइयों 60% किसान भाई जो है सिंचाई के दौरान ही अपने फसलों को बिगाड़ लेते हैं, यानी कि उनमें जो ज़्यादा पानी का जमाव कर लेता है, जिसका कारण क्या होता है उसमें गाछों में उखठा रोग लग जाता है या पीला हो जाता है या फिर गाछों का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, यानी कि गाछों अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते। और उसके बाद जब भी हमारा फसल जो मटर की फसलें हैं वो लगभग 40 दिनों को हो जाए तो उस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों, तो सबसे पहले स्प्रे उस समय हमारा जो मटर की फसल है ना उस समय फूल फल आना स्टार्ट हो जाता है, तो फूलों को रोकथाम के लिए और जो मटर के जो फल हैं उसको मोटा और वज़नदार बढ़ाने के लिए आप हम लोग कौन सा स्प्रे करना चाहिए, जी बायो ह्यूमिक जो ऑर्गेनिक है और वो
पौधों को स्ट्रोंग बनाती है और फूल को रोकने में और फलों को बढ़ोतरी में यानी कि लंबा होने में मदद करती है। तो ये जी बायोमिक का स्प्रे करना है, कितने डोज देना है, 10 ml 15 से 16 लीटर टंकी में घोलना है और अपने खेतों में छिड़काव करना, दोहरा स्प्रे 10 दिनों के बाद करना है किसान भाइयों। और बारी अब आता है किसान भाइयों, और ये जो वैरायटी है GS10 KSP 110 या PAN 4009 का, ये तीनों वैरायटी 10 से 12 दाने वाले किसान भाइयों हैं। और ये जो वैरायटी है सबसे टॉप लेवल पर और सबसे महंगा यानी कि सबसे अच्छे कीमत में बाजार भाव को आप लोगों को मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।